राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाचियावास में दिव्यांगों एवं ग्रामीण महिलाओं के विकास कार्यों में नवाचार के साथ मनाया जाएगा स्वर्ण जयंती वर्ष। 18-19 जुलाई को होंगे कार्यक्रम। 49 वर्षों की उपलब्धियां साझा कर नए संकल्प के साथ होगी गोल्डन जुबली वर्ष की शुरुआत। 18 जुलाई 2024 को राजस्थान महिला कल्याण मंडल की स्थापना के 49 वर्ष पूर्ण होने के साथ ही स्वर्ण जयंती वर्ष की शुरुआत धूमधाम से होगी। इस उपलक्ष्य में संस्था मुख्यालय चाचियावास में 18 और 19 जुलाई को 2 दिवसीय समारोह आयोजित किया जाएगा। संस्था निदेशक राकेश कुमार कौशिक और सचिव क्षमा काकड़े कौशिक के अनुसार 18 जुलाई 1975 को अजमेर में आई बाढ़ के वक्त पीड़ितों की सहायता करते हुए स्वर्गीय श्री सागरमल कौशिक के द्वारा संस्था की स्थापना की गई थी। तब से संस्था समुदाय विकास के विभिन्न मुद्दों पर निरंतर कार्य करती आ रही है। संस्था को अपने कार्य के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर बेहतर कार्य एवं श्रेष्ठ स्वयंसेवी संस्था के रूप में सम्मानित भी किया जा चुका है। साथ ही दिव्यांगजन के लिए कार्यरत देश की 10 श्रेष्ठ संस्थाओं में शामिल किया गया है। संस्था सचिव एवं मुख्य कार्यकारी शमार कौशिक ने बताया कि 18 जुलाई 2024 को समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर आचार्य मोक्षराज योग शिक्षक एवं भारत के प्रथम राजनायक डॉक्टर पंकज तोशनीवाल, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ एवं राजेंद्र गुंजल अध्यक्ष अजय मेरू प्रेस क्लब संस्था परिसर में पौधारोपण कर कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। समारोह में संस्था के 50 हितभागियों एवं विशेष सहयोगियों को सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही स्वर्ण जयंती वर्ष में दिव्यांगजन महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सेवा कार्य का संकल्प लेकर दिव्यांगजन को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वोकेशनल प्रशिक्षण यूनिट का उद्घाटन भी किया जाएगा। कौशिक ने बताया कि 19 जुलाई को आयोजित मुख्य समारोह में पूर्व राज्यसभा सांसद व पूर्व अध्यक्ष इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस भारत सरकार डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए संस्था के सहयोग से 50 दिव्यांगजन को व्हील चेयर का वितरित कर लाभान्वित करेंगे एवं दिव्यांगजन के द्वारा वुडन स्टेशनरी कपड़े आदि उत्पादों के साथ बकरी खाद तैयार करने के लिए दक्ष एम्पावर एबिलिटी फाउंडेशन की नव निर्मित इकाई का उद्घाटन करेंगे। समारोह में संस्था मुख्यालय के साथ साथ विभिन्न जिलों में स्थित शाखा कार्यालय स्टाफ हितभागी समुदाय के लोग स्वयंसेवी संस्थाएं पूर्व स्टाफ सहयोगी वेदानदाता संस्थाओं के प्रतिनिधि मीनू स्कूल उम्मीद व अद्वैत केंद्र एवं संजय स्कूल के बच्चे सागर कॉलेज के प्रशिक्षणार्थी शामिल होंगे। स्टाफ व बच्चों के द्वारा कई प्रकार की रोचक व उत्साहवर्धक गतिविधियां तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। नमस्कार, संस्था राजस्थान महिला कल्याण मंडल जो है 50वें वर्ष में पदार्पण कर रही है और मैं इस संस्था का हिस्सा हूँ, उसके लिए अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। संस्था का जो डिसेबिलिटी को लेकर कार्य है वो काफ़ी लंबा है और इसमें मुख्य रूप से हम लोग समुदाय आधारित कार्यक्रम में कार्य कर रहे हैं और 2 इंक्लूसिव स्कूल्स, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जो राजस्थान का पहला ऐसा अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बना हुआ है, अंडर 1 रूप इसकी सारी सुविधाएँ हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और छोटे बच्चों को, विशेष रूप से 0-6 ईयर्स के बच्चों को इसमें हम दे रहे हैं। संस्था का जो व्यावसायिक प्रशिक्षण और लाइवलीहुड को लेकर जो इनिशिएटिव है दक्ष एम्पावर एबिलिटी फाउंडेशन, इसके माध्यम से हम एडल्ट विद डिसेबिलिटीज़ को जो है वो सहयोग दे रहे हैं गार्डनिंग, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस और कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग में, ताकि वो अपनी आजीविका जो है वो रन कर सके। संस्था जो सागर कॉलेज के नाम से एक उपक्रम चलाती है जहाँ जो राजस्थान में सबसे बड़ी जो समस्या है कि स्पेशल एजुकेटर्स नहीं मिल पा रहे हैं, उन स्पेशल एजुकेटर्स को तैयार करना, अभी तक संस्था ने लगभग 450 के ऊपर स्पेशल एजुकेटर्स को हमने तैयार किया है और जो इस वर्ष जो है वो सबसे अच्छी बात है कि हम लोग अभी तक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कार्य कर रहे थे, इसी वर्ष से हम हियरिंग इम्पेयरमेंट स्टूडेंट्स के लिए भी कार्य करेंगे जिसमें मुख्य रूप से विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का जो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसको रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो ये जो संस्था का जो दिव्यांगता को लेकर कार्य है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, जो 50 वर्ष की जो हमारी लिगेसी है और इसमें सिर्फ दिव्यांग नहीं तो महिलाएँ हैं और साथ ही साथ जो बच्चे हैं, वृद्ध हैं और पिछले 10 सालों से जो हमने देखा है कि जिस तरीके से बाल यौन शोषण हो रहा है, जो बच्चों के अधिकार है उसको लेके जो कार्य हो रहा है और उसकी जो समस्याएं उसको किस तरीके से हम लोग एक रिजल्ट के रूप में देखें, इसके लिए संस्था जो है वो बाल संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। करीबन 12 जिलों में संस्था अभी ये कार्य कर रही है। संस्था के साथ लगभग जो है मोर देन 250 स्टाफ जो है वो जुड़ा हुआ है और
300 जो है हमारे वॉलेंटियर्स इसमें कार्य करते हैं। ये मैं चाहूँगी कि जो संस्था का जो ये गोल्डन जुबली ईयर है वो संस्था के फाउंडर सेक्रेटरी स्वर्गीय सागरमल जी कौशिक को समर्पित है, क्योंकि उस तरीके के जो विजनरी लीडर थे जिन्होंने इस संस्था को शुरू किया, और हम सभी जो कार्यकर्ता हैं आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हम इस संस्था का हिस्सा हैं जो अपने 50 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है।